मास्टर्स ग्रुप के साथ हम आज मौजूद हैं आपके साथ। मास्टर्स ग्रुप के बारे में विश्व अक्सर यही होता है कि ये क्रिकेट के बल्ले से निकलता है, कोई जैसे ही दाव खेल दिया जाए तो भी चलता है, और राजनेताओं के मास्टर्स ग्रुप के बारे में तो पूछिए। लेकिन कहते हैं मीडिया का काम तो जनता की आवाज सामने लाना, बात मास्टर्स ग्रुप में सब होगी। लेकिन आइए जरा सुनना शुरू करते हैं। हर दिन कुछ चेहरे उभर कर आते हैं, आज के चेहरे डराने वाले नहीं लेकिन और शायद त्रासदी जतलाने वाले जरूर। आठ चेहरे जो आज उभर कर आए हैं, आठ चेहरों में पहला चेहरा दलित हिंसा का, एक ऐसी हिंसा जिसके जरिए पहली बार इस देश ने महसूस किया कि जो तबका हाशिए पर है वो सड़क पर आ जाए, उसके बाद कौन सी स्थिति बनती है, क्या ये स्थिति इंस्टीट्यूशंस के फेल की है। और उसके साथ जुड़ गई सात मौत, जी एक के बाद एक मौत का सिलसिला जो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ बढ़ता चला गया। कई जगहों पर जिस तरीके की हिंसा हुई वो वाकई यकीनन डराने वाली, और राजस्थान के अलवर में भी एक मौत, तीसरी तस्वीर वाकई दुखद है। एक नवजात शिशु मर गया, फंस गया था बंद में, फंस गई थी स्थितियों के साथ, और दूसरी मौत बिजनौर में थी, वह अभी सड़क में एम्बुलेंस में फंस गया। प्रधानमंत्री जागे, उन्होंने पुनर्विचार याचिका का निर्देश दिया, रविशंकर प्रसाद पहुंचे, थावर सिंह रावत सामने आए, और फिर पुनर्विचार याचिका SC ST एक्ट को लेकर कई दिन बाद सरकार जागी कि दरअसल कानून तो कड़ा लगना चाहिए। आखिरी सफर की दिशा में 38 कॉफिन्स जी पहुंचे हिंदुस्तान, और इस तरह पहुंचेंगे किसी ने न सोचा। उसके बाद की तस्वीर है माफी दर माफी, लंबी फहरिस्त होती जा रही है, और आज अरुण जेटली से भी माफी मांगी। इस माफी के सिलसिले के पीछे सियासत ने सफलता दिलाई या असफलता दिलाई आकलन करते रहिए, लेकिन ऐसी तस्वीर डराती। और सबसे बड़ी तस्वीर, महंगा पेट्रोल सबसे ज्यादा है मौजूदा वक्त सरकार के दौर में बीते चार वर्ष, और इसके बाद